अभी रिचिका का कवर देखो, इसको मजा नहीं आएगा। ये टैबलेट है, मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ। गंदा कांड हो गया है। स्क्रू ड्राइवर आता है ना, उसको उठाया, गरम किया और भाई छेद कर दिया सीधा। अपना पीस्ट है भाई, ये बियर्ड ऑयल है ना, उसको एक दो ड्रॉप्स अंदर डाल दिए। इसका जमाना गया। ऐसी हालत होती है मेरी। सैंपल पिक्चर्स देने के लिए जो बैग लेके आया था वो मैं वापस देने जा रहा हूँ। तो उन्होंने पोर्टर किया, अगर आप पोर्टर नहीं जानते वो डंजो जैसे ही है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ चीपर देन डंजो। आई थिंक जो बैग का मीटिंग में करके आया था, जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन हु कैन डू इट फॉर वेरी चीप। उनको ये था कि एक प्रोडक्ट का 100 रुपए लो। They had around 600 products. सिर्फ शूट करने का काम नहीं है ना, पहले आप बैग को मेक श्योर करो कि एकदम अच्छे से सेट हो, भरा हो, उसके बाद उसको प्लेस करो एंड देन शूट करो अलग अलग एंगल में। They wanted 5 to 6 angles. उसके बाद भाई एडिटिंग करो। मैंने पहले बहुत प्रोडक्ट शूट किए हैं तो मुझे आइडिया है कि हाउ मच टाइम एंड एनर्जी आई गिव इन टू दीज थिंग्स। आई लुक इन टू ईच एंड एवरी डिटेल। तो अपना जो काम है उस हिसाब से प्राइस बोलता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लो, वरना भाई आगे बढ़ो। बैग देके आ गया हूँ तो अभी देते हैं आपको पीसी का और अपने रूम का टूर। तो गाइस वेलकम बैक टू माय ऑल न्यू वीडियो, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट। ये अपना डोर है। डोर के अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको मेरा बेड देखने को मिल जाएगा। मेरा पीसी वहां पे है। दैट्स द वॉशरूम जो आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। मेरे कबर्ड है, ये मेरा कबर्ड है और ये हम दोनों ने, रिचिका और मैंने डिवाइड किया है बीच वाला कबर्ड, एंड ये रिचिका का कबर्ड है। आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये मेरा कबर्ड है, मेसी है भाई, एंड इससे ज्यादा मेसी ये है। ये सारे जो है ना, ये जो मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हो। ये वाला मेरा ह्योन का टैबलेट है, एंड देन वो गोडॉक्स का ट्रिगर है, एंड उसके बाद फ्लैश लाइट। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस रखे हैं। आई लाइक कीपिंग देम, प्रिजर्विंग देम। 1-2 ईयर्स हो जाता है जब प्रोडक्ट को लेके, तब मैं जाके उसका बॉक्स फेंकने का सोचता हूँ। तो मेरा जो सेकेंड कबर्ड है बीच वाला, वहाँ पे आप देख सकते हो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये चार्जर है मेरे बैटरी का, एंड देन ये गोप्रो का सामान है, एंड यहाँ पे मेरा गोडॉक्स का फ्लैश, एंड ये रिचिका के मास्क वगैरह है जो वो बॉक्स के अंदर थे लेकिन फॉर सम रीजन दे आर हियर नाउ, एंड ये अगेन रिचिका का बैग वैग सब। और अभी आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। मेरा कबर्ड तो आपने देख ही लिया, अभी रिचिका का कबर्ड देखो भाई, इतना नीट, मन करता है अंदर ही बैठ जाओ। देखो ब्रिलियंट, क्या सफाई से रखा है। He has told me कि तेरा कवर्ड भी क्लीन करती हूँ। मैं बोलता हूँ ना, मेरे कवर्ड को हाथ मत लगाना भाई। आई डोंट नो भाई, मैं बोलता हूँ मैं खुद ही करूँगा, लेकिन वो दिन आज तक आया नहीं है। एंड देन ये एक टेबल है जो रिचिका के लिए मैंने रखा हुआ था, एंड दिस इज माई कैमरा। ये लैपटॉप है जो रिचिका के लिए मैंने रखा है। पहले मैं इसमें एडिटिंग करता था, लेकिन अभी आई थॉट कि रिचिका को कुछ काम वाम हुआ तो इसमें करेगी, लेकिन शी डजंट यूज दिस, शी स्टिल यूजेस माई पीसी। क्योंकि भाई देखो ना, किसको मज़ा नहीं आएगा उसमें काम करके। वर्क बुक्स रखी हैं, कुछ शूट वूट आता है तो इसमें नोट डाउन करता हूँ, या अगर कोई स्क्रिप्ट लिखना है कोई वीडियो का तो इसमें नोट डाउन करता हूँ। स्क्रिप्ट आप पूछोगे किस चीज़ का, मेरा फोटोनैक चैनल है यूट्यूब का, उधर जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे थोड़ी शॉर्ट वॉट मूवीज बनाई हैं। यहाँ मेरा एक कैमरा बैग है, वो दूसरा कैमरा बैग है छोटा वाला, एंड गोडॉक्स का ये सॉफ्ट बॉक्स, एंड ये मेरी लाइट है, एंड देन ये एक टेबल है, इसको लगाया है, और जो मेरा पीसी है उसको ऊपर रखा है। लुक अच्छा है तो भाई एकदम ऊपर सेट करके रख दिया है, कोई आए तो पहली चीज़ ये दिखे रूम में। बाकी छोटा मोटा सामान पड़ा है यहाँ पे। अरे भाई तू क्यों गिर गया? और ये पता नहीं कहाँ से मिला था मेरे को, पहले अंदर था वहाँ पे लेकिन निकाल के अभी इसको बाहर रख दिया। अभी आते हैं मॉनिटर पे। ये मेरा LG का मॉनिटर है जिसपे मैं यूजली एडिटिंग करता हूँ, और एडिटिंग से पहले मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, कलर मंकी, जो मैं कलर कैलिब्रेट करने को यूज़ करता हूँ मॉनिटर को। ये टैबलेट है ह्योन का, दिस इज़ वेरी यूजफुल, एडिटिंग के टाइम बहुत काम आता है। एंड दिस इज माई लॉजिटेक का माउस, विच इज अमेजिंग, बहुत मज़ेदार माउस है। एंड दिस इज माई कीबोर्ड, ये एक सिंपल कीबोर्ड है, लुक इसका काफ़ी अच्छा है। तो मैंने बाकी चीज़ों में इतना एक्सपेंस कर दिया था तो मैंने सोचा भाई इसमें थोड़ा पैसा बचाते हैं। मेरे को ज़्यादा, यू नो, आई एम नॉट अ गेमर, पहले करता था गेमिंग, बट अभी मेरा काम में ज़्यादा फोकस है। तो एक सिंपल सा RGB कीबोर्ड है ये, विच इज़ वेरी गुड। एंड ये जो है ये एक LG का TV है, ये पहले बाहर लगा हुआ था। सेकेंड मॉनिटर आ गया मेरे लिए,
विच इज वेरी यूजफुल. अभी सिंगल मॉनिटर का तो चांस ही नहीं है, मैं काम ही नहीं कर सकता. दो मॉनिटर्स चाहिए ही चाहिए मेरे को. ये मूव है ये भाई मेरे बहुत काम आता है. घंटों घंटों तक एडिटिंग करते रहता हूँ. उसके बाद मेरा जो नेक है ना बहुत खतरनाक पेन करता है, तो हमेशा ऑलमोस्ट रोज मूव लगाना पड़ता है रात को मेरे को. अरे भाई इसको तो भूल ही गया, माउनो का माइक जो बहुत ही ब्रिलियंट माइक है. मुझे तो भाई बहुत पसंद है ये माइक. आवाज इसमें एकदम डीप बेस वाली आवाज आती है. अरे ये देखो भाई, मेरे को समझ नहीं आता है ये रिचिका का सामान मेरे टेबल पे कैसे आ जाता. कुछ ना कुछ उसका, वो चलते फिरते वहां पे अपना सामान छोड़ के चले जाती. एंड आई ऑलवेज टेल हर ये यहाँ क्यों है, क्योंकि वो मेरे को डांटते रहती है, नीरज ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है. तो मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ. अभी बढ़ते हैं हमारे पीसी की तरफ. इसका नाम मैंने दिया है बीस्ट. अपना बीस्ट है भाई ये. तो ये है अपना पीसी. यहाँ आप देख सकते हो GoPro फाइल ट्रांसफर कर रहा था. आई डोंट नो अभी भी हो रहा होगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3 हार्ड डिस्क है. यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको खोलता हूँ ग्लास को, फिर आपको अंदर का चीजें दिखाता हूँ. तो ये मदरबोर्ड है जो टॉम हॉक मैक्स है एंड आर्सेनल गेमिंग लिखा है ऊपर. ये MSI का मदरबोर्ड है एंड यहाँ पे कॉर्सेयर के रैम देख सकते हो आप, 8 GB के 16 GB रैम है इन टोटल. एंड ये GeForce NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है 2060 सुपर, विच इज अमेजिंग मेरे काम के लिए भाई, बहुत जबरदस्त है ये. इससे ज्यादा मैंने सोचा नहीं लेने का, क्योंकि ये अपना काम करता है. तो अंदर CPU है वो AMD का है, विच इज आई गेस अराउंड 3600X का है, वो भी बहुत ही बढ़िया है. एंड ये जो फैन है ना मेरे केस का, इसका मैं स्टोरी बताता हूँ. कल मेरे साथ एक बहुत ही गंदा कांड हो गया. हुआ क्या, मैं अपना फोटो एडिटिंग कर रहा था, जो आइसक्रीम पार्लर का शूट था उसका. मेरे को कल फोटोज भेजनी थी कैसे भी करके. एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं देख रहा हूँ मेरा PC हैंग होना चालू हो गया. कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना हैंग हो रहा है ना जैसे गया बस. मेरे को टेंशन, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है. And then I look at my, PC and ये वाला जो फैन है ये रुका. मैंने immediately अपना PC बंद किया, क्योंकि अगर आपका फैन नहीं चल रहा है, इसका काम क्या है, जो भी अंदर हीट जनरेट हो रही है उसको ये बाहर छोड़ता है. तो अगर ये वाला फैन आपका बंद हो गया और आप कोई गेमिंग वेमिंग कर रहे हो, हीट जनरेट हो रहा है, तो देयर आर चांसेस कि आपका PC का जो डेटा है वो चले जाएगा. क्योंकि इतना हीट जनरेट हो जाता है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ का कुछ ना कुछ सिस्टम खराब भी हो सकता है. वो फैन बहुत जरूरी है आपके लिए. तो मैंने इमीडिएटली PC बंद किया, फैन को निकाला एंड आई वॉज फिगरिंग आउट कि भाई चल क्यों नहीं रहा है. एंड देन मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी, वहां पे बोला है कि एक छेद आता है, छोटा होल आता है, वहां पे आप ऑयल डाल दो और मस्त चलेगा उसके बाद फैन. मैंने सोचा चलो होल ढूंढते हैं, होल मिला नहीं मेरे को. फिर एक और वीडियो देखी, वहां पे बोलते हैं कि ये जो स्टिकर है ना सामने आपके वहां स्टिकर मिलेगा, उसको निकालो, उसके नीचे होल होगा. तो मैंने स्टिकर निकाला, उसके नीचे होल ही नहीं है. फिर मैंने गूगल किया, भाई होल ही नहीं है मेरे फैन में. तो फिर कोई बोलता है कि आपको ड्रिल करना पड़ेगा होल कोई कोई फैन में. मैं बोला चलो ये भी करते. तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्रू ड्राइवर उठाया, जो स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर आता है ना, उसको उठाया, गर्म किया और भाई छेद कर दिया सीधा. ऑयल डाला तो कहीं जा ही नहीं रहा. उसके बाद मैंने बोला अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, फाइनल चीज है वो ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो नया फैन ले लेंगे, या तो आर या तो पार. तो मैंने अपना जो फैन है उसको ऐसे थोड़ा टिल्ट किया नीचे की तरफ, और जो मेरा बियर्ड ऑयल है ना उसको 1-2 ड्रॉप्स अंदर डाल दिए. आई मेड श्योर कि वो जो मैकेनिज्म है उसका अंदर जो भी वायरिंग वगैरह है, चिप है, उसमें ना जाए ऑयल. वो मोटर अटैच्ड है फैन के साथ, वहां पे जाए. तो वहां डाला एंड उसके बाद आप देख सकते हो एकदम चमत्कार हो गया, एकदम घूम रहा है बिना आवाज के. तो आपके फैन को ऑयल चाहिए रहेगा कभी ना कभी. और मेक श्योर आपका PC क्लीन हो, क्योंकि अगर आपका PC क्लीन नहीं है ना तो हैंग होगा, लैग होगा. PC को क्लीन करते रहने का, मेंटेन करते रहने का, ऐसे नहीं कि लाके रख दिया और भाई लगे हुए हो. ये जो है ना आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी वायरिंग वगैरह है. पहले तो ये चीज जो है ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, ये मैंने PC के साथ नहीं लिया था, ये चीज मैंने यहाँ से उठाई. ये काफी साल पुराना PC ऐसे ही पड़ा हुआ. मैंने सोचा भाई PC के अंदर कुछ तो कंपोनेंट्स होंगे जो काम आएंगे, तो मैंने निकाला उसके अंदर से हार्ड डिस्क और यहाँ डाल दिया. इसमें ये दो वायरें लगती है, एक ये है जो इसको इलेक्ट्रिसिटी देती है, पावर देती है, ये पावर के बिना चलता नहीं है, और ये वाला है जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. और ये जो एक्स्ट्रा वायरिंग आप देख रहे हो ना, ये भी पावर सोर्स की वायर है, और ये एक और डेटा ट्रांसफर वाली वायर है,
ये मैं किसके लिए यूज करता हूँ, डीवीडी प्लेयर जो है इसके लिए, ये भी मैंने उसके अंदर से निकाला है, इसका जमाना गया, ये सीडी प्लेयर वगैरह नहीं आता इसमें। लेकिन बीइंग अ फोटोग्राफर देयर आर मेनी क्लाइंट्स जिनको यू नो फोटो सीडी में देनी पड़ती है, तो भाई मैंने बोला यहाँ से निकालते हैं और इधर डाल के देखते हैं क्या पता काम आ जाए। तो ये मैं अभी यूजली डाल के नहीं रखता हूँ, जब भी अगर किसी को फोटोज वोटोज भेजनी है, जो बहुत कम होता है, नहीं तो अभी तो ड्राइव वगैरह में ही फोटो वगैरह भेजते हैं। सो यस गाइस, सो दिस इज माय सेटअप एंड यहीं पे मैं बैठा रहता हूँ, मेरी आधी जिंदगी इसी के सामने निकल चुकी है एडिटिंग वेडिटिंग करने में, और बाकी की आधी जिंदगी मेरी शूट में निकल जाती है। बताना मेरे को आपको कैसे लगा अपना जुगाड़, अपना सेटअप, एंड ऑल्सो इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपनी वेबसाइट है जो अमेजोन में लेके जाएगी आपको, वहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। तो एक और चीज़ तो प्रमोट करना भूल ही गया, अपना चैनल भाई, अपना चैनल, इसको जाके सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड हैव नियर देयर सिस्टम इज पानी का बॉटल। यस, पानी का बॉटल रखने का, क्योंकि हम जब काम करते रहते हैं ना तो उठने का मन नहीं करता है एंड घंटों घंटों तक वहीं पे बैठे रहते हैं, तो पानी का बॉटल बाजू में रखो एक दो लीटर का। तो एंड बाय द वे, ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है एथर का, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी मेहनत लग रही है भाई, ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर कर देना ये वीडियो को भी और ये वीडियो को भी, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, होप आपने मेरा टूर एंजॉय किया हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रिमेंबर दिस इज वन लाइफ, लिव इट टू द फुलेस्ट। गाइस, आई नो दिस इज स्टूपिड रिकॉर्डिंग दिस, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि भाई ऐसी हालत होती है मेरी, मुंह यहीं पर रखा था, एक बैठे बैठे ऑल ऑफ अ सडन कैच हो गया है, अभी मुंह लगाते हैं। ओके, फाइनली थोड़ा ऊपर तो आया, मैं ऊपर ही आंखों में से पानी आने लग गया भाई, आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप। ओके, मूव टाइम।